हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बीकॉम के सेकंड ईयर के स्टूडेंट का जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का, वो मैं अभी लेकर के आया हूँ आपके सामने। मैं क्या करके बताऊंगा कि आपके एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्टडी सही तरीके से करनी है, वन बाय वन अगर करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। वहां जैसे ही आप जाओगे, आप नीचे की तरफ आओगे, आपको बीकॉम न्यू मिलेगा, जहाँ पे आपको बीसीओसी 131 से लेकर के बीसीओसी 138, उसके अलावा बीसीओएलए 138, बीसीओएस 183, 184, ये सारी की सारी वीडियोस जो है, प्लेलिस्ट जो है, आपको मिल जाएंगी, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, राइट। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे मिलता है आपको। इग्नू बीकॉम का जो फीस है वो बहुत ही कम है, 119 रुपए पर मंथ के हिसाब से है, जहाँ पे आपको जाकर के इस वाले ज्वाइन बटन को दबाना है और हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करना है। यहाँ पे बहुत सारी पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है कि आपको असाइनमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको जो नोट्स है वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारे पास से। इसके अलावा जो भी इग्नू की अपडेट्स होंगी या फिर कुछ भी अगर एक्टिविटी होगी जो कि आपके लिए मायने रखेगी, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब एक तरीके से आपको एकदम फ्री होकर के स्मूथली स्टडी करनी है, बस बाकी सारी चीजें जो है हम संभाल लेंगे, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके सेकंड ईयर के शेड्यूल के बारे में कि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो सेकंड ईयर का शेड्यूल बहुत ही सिंपल सा है। देखो, बीसीओसी 135 आपको 2 अप्रैल को देना है, बीसीओसी 136 6 अप्रैल को देना है, बेगला 137 1 अप्रैल को देना है और बीसीओएस 184 7 अप्रैल 2022 को देना है। मैं सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर का शेड्यूल जो है वो इस तरीके से है, बीसीओसी 2 अप्रैल, बीसीओसी 136 6 अप्रैल, बेगला 137 1 अप्रैल और BCOS 183 7th of April। तो ये थर्ड सेमेस्टर की बात होगी। अब मैं फोर्थ सेमेस्टर के शेड्यूल के बारे में बता दूं, तो फोर्थ सेमेस्टर जो है उनको बी कोला 138 24 मार्च 2022 को देना है। 24 मार्च 2022 आप याद रख सकते हो। BCOC 137 14 मार्च को देना है, BCOC 138 9 मार्च को देना है और BCOS 184 17 मार्च को देना है। तो आपको दिख रहा है कि आपको फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स पहले होंगे और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स बाद में होंगे। तो ये आपका स्केड्यूल रहा जो मैंने अभी आपको बता दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए अपने फोन में, अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको वहां से जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा और आप इसको अपने रख पाएंगे और आप एक तरीके से देख पाएंगे कि आपका एग्जामिनेशन कब कब होने वाला है। टाइमिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि बीसीओसी की टाइमिंग जो है 2 से 5 है। बीसीओसी के जितने भी पेपर्स है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर हो, सबकी टाइमिंग 2 से 5 है, मतलब सेकंड हाफ में होगा। बेगला का जो टाइमिंग है वो 2 से 5 है, बेगला की भी टाइमिंग 2 से 5 है, जो की थर्ड सेमेस्टर में है। उसके अलावा बीसीओएस 183 आपको 10 से 1 के बीच में देना है और बीसीओएस 184 2 से 5 के बीच में देना है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। और बी कोला जो है आपका 138, उसके पेपर भी 2 से 5 के बीच में होंगे। तो ये आपका शेड्यूल रहा जहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखो। बाय। थैंक यू।